नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के तहत मेघालय के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है महान व्यक्तित्व की कहानियाँ। महान व्यक्तित्व की कहानियां बताने के पीछे नवाचारी शिक्षक का उद्देश्य यह था कि विद्यालय में छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, केवल उन्हें पढ़ना और लिखना ही नहीं बल्कि उसके अलावा उनमें अच्छे गुणों का सृजन हो, साथ ही साथ उनकी लेखन शैली भी बेहतर बने, उनमें सोचने समझने की क्षमता बढ़े, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसे वो पहचाने। सारा समझाने की वजह से नवाचारी शिक्षक ने अपने विद्यालय में इस नवाचार को अपनाया। सबसे पहले उन्होंने भारत के हीरोज जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने अपनी एक छवि बनाई है पूरे इंडियन लेवल पर, साथ ही साथ कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज जो इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत फेमस हैं, उनकी कहानियां बच्चों को सुनानी शुरू की। समय समय पर वे उनकी अच्छी बातें, उनका स्ट्रगल, उनके बचपन से लेकर उनके फेमस होने तक की सारी जानकारी बच्चों को देने के प्रयास करते थे। उन्होंने इंटरेस्टेड कुछ छात्रों के साथ मिल करके कुछ पोस्टर्स बनवाए, कुछ पोस्टर्स जो बने बनाए मिल पाए उनको अरेंज किया, कुछ बच्चों से पेंटिंग्स बनवाई। अब उन्होंने उन पर्सनैलिटीज के चित्रों को विद्यालय की दीवारों पर लगा दिया। अब जिस दिन भी उनका मन होता वो अपने बच्चों से कहते कि इस डायग्राम को, इस तस्वीर को पहचानिए, ये किसकी तस्वीर है, आप क्या जानते हैं। सभी बच्चे उसे नहीं पहचान पाते, तो जो बच्चे उन्हें नहीं पहचान पाते, शिक्षक को समझ में आ जाता कि इनके लिए मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। शिक्षक ये और एक्टिविटी करवाते, बच्चों को बोलते कि ये जो पर्सनैलिटी आपके सामने जिसका यहाँ पर पोस्टर लगा रखा है, आपको इसका डायग्राम, इसका इमेज आपको अपने रजिस्टर में कॉपी में भी बनाना है। सभी बच्चे उस वैसा भी नहीं कर पाते, तो अगर महात्मा गांधी है तो जो बच्चे पूरी पेंटिंग नहीं बना पा रहे हैं उनको कहते हैं आप इनके चश्मे का चित्र बनाकर बताइए, इनकी जो लाठी है उसका डायग्राम बनाकर बताइए, ताकि उनकी कुछ स्पेशलिटीज, उनकी खूबियां उनको मालूम चले। फिर वो उन्हें सत्याग्रह के बारे में, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, इसके अलावा और गांधी जी ने जो जो प्रयास किया उनके बारे में बताते। सारी जानकारी देने के बाद उनकी लाठी और उनके चश्मे के बारे में बताते, उनके स्वच्छता अभियान के बारे में बताते। ये सारी जानकारियां देने के पश्चात किसी दिन फिर पूछते कि भाई बताओ ये कौन है। अब बच्चों को वो पुरानी बातें याद आ जाती, अब शिक्षक उन्हें वो सारी बातें जो उस दिन बताई आज उन्हें लिखने के लिए कहते। इससे बच्चे सोच कर, पुरानी बातों को समझ कर, अच्छे बुरी पहचान करके लिखने में परिपूर्ण होते। इस प्रकार की गतिविधि करवाने से विद्यालय में बच्चों में रोचकता आती है, शिक्षक और बच्चों का संबंध मधुर होता है, विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ती है। यह एक रोचक गतिविधि है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि पसंद आई होगी, आप भी अपने विद्यालय में इसे क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे यूट्यूब चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।